हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में, सेशन ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस फियर्स, दोस एरियाज वेयर लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, यानी अनइक्वल पोजिशन ऑफ राज्यसभा विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा। कई ऐसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी पोजीशंस दे रखी हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस लोकसभा को दे रखे हैं, जहां पर लोकसभा में एक काम हो सकता है, लोकसभा वो काम कर सकती है। लोकसभा इज मोर पावरफुल इन दोज रिस्पेक्ट्स एज कंपेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा में वो सब काम नहीं हो सकते। जैसे कि मनी बिल की इंट्रोडक्शन, एक मनी बिल और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी वन, ये जो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं केवल लोकसभा में हो सकते हैं। नो कॉन्टेस्ट मोशन लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सरकार को अपना समर्थन मेंटेन करना होता है कहां पर? लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। कॉन्फिडेंस मोशन भी आएगा तो वो भी कहां आएगा? सिर्फ लोकसभा में। ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल सारा कहां है? लोकसभा। तो इस तरह के कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। स्पेशल पार्ट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा में वो काम नहीं हो सकते, यानी अनइक्वल स्टेटस। ठीक है, आई वुड लाइक टू शो यू माय स्क्रीन आल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ठीक है, अनइक्वल स्टेटस ऑफ राज्यसभा विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा। ठीक है जी, और एक और लाइन में बोलना चाहूंगा, चाहे ये कुछ स्फीयर्स हैं जहां पर राज्यसभा इज लेसर पावरफुल देन लोकसभा, लेकिन फिर भी राज्यसभा जो है वो सेकंड हाउस इन द सेंटर है, लेकिन विधान परिषद सेकेंडरी हाउस एट द स्टेट लेवल है। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, सेकंड और सेकेंडरी वाली बात। राज्यसभा इज सेकंड हाउस इन सेंटर, बट विधान परिषद इज सेकेंडरी हाउस एट द स्टेट लेवल। हम बाद में इसको भी डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों। ठीक है, ये मैं आपसे आंसर चाहूंगा, आप लोग रिसर्च करें और मुझे बताएं। ठीक है, व्हेन राज्यसभा इज सेकंड हाउस इन द सेंटर, व्हाई इज विधान परिषद कंसीडर्ड एज सेकेंडरी हाउस एट द स्टेट लेवल। हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, अब मैं चलता हूं आज के लेक्चर पर। ठीक है जी, तो हेडिंग है अनइक्वल स्टेटस ऑफ राज्यसभा एज कंपेयर टू लोकसभा। आई वुड लाइक टू शो यू माई स्क्रीन फर्स्ट। ठीक है, मोर पॉइंट्स we'll be discussing in this way and you will be in a better position to understand the concepts. ठीक है, here comes my screen. I hope you can see my screen now. Unequal status of Rajya Sabha with Lok Sabha. ठीक है जी, पहले इन कुछ points में हमने बता रखा है कि status of Rajya Sabha कैसे Lok Sabha के status से डाउन माना जाएगा, या फिर कह लो कि ये पार्स राज्यसभा के पास नहीं है मगर लोकसभा के पास है। और इन टोटल 10 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, लिस्ट मैं दिखा चुका हूं क्विक तरीके से। अब मैं पहले ही बता चुका हूं, मनी बिल जो है वो केवल और केवल कहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? लोकसभा। फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव जो है वो जो एक्सरसाइज होगा कहां होगा? लोकसभा। ठीक है, मनी बिल्स की पासिंग में भी राज्यसभा की पावर्स कम है, 14 दिन का टाइम मिलता है, 14 दिन में पास कर दिया तो ठीक है, नहीं तो डीम टू बी पास माना जाएगा। तो राज्यसभा जो है उसके पास केवल 14 डेज होते हैं एक मनी बिल को लेकर, अगर नहीं पास किया तो पास माना जाएगा। सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता है राज्यसभा टू लोकसभा विद रिस्पेक्ट टू अ मनी बिल। मनी बिल की डेफिनेशन कहाँ है? आर्टिकल 110। और दूसरा, मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है वो केवल लोकसभा में होगा, राज्यसभा में कभी नहीं होगा मनी बिल। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। ठीक है, देन जो रिकमेंडेशंस भी दी हैं राज्यसभा ने मनी बिल पर, वो लोकसभा की मर्जी है, चाहे तो उनको एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे। All or any of these recommendations, और चाहे दोनों केसेस में, चाहे एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे, ठीक है, तो दोबारा राज्यसभा के पास बिल नहीं जाता है,
ठीक है, डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द टू हाउसेस माना जाता है। मैं फिर से बताता हूँ, लोकसभा ने पास किया मनी बिल, ठीक है जी, फिर गया वो राज्यसभा के पास। पहली चीज, 14 दिनों तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी पास्ड, डीम्ड टू बी पास्ड कि दोनों हाउसेस ने पास कर लिया, ठीक है। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तब भी माना जाएगा डीम्ड टू बी पास्ड, यानी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता राज्यसभा, ठीक है। और अगर राज्यसभा ने उसमें कुछ अमेंडमेंट रिकमेंड की है, यानी कोई रिकमेंडेशंस दी है, अमेंड कह लो या रिकमेंडेशन दी है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, फिर जाएगा लोकसभा और फिर सीधा पास, डीम्ड टू बी पास बाय बोथ हाउसेस। अब लोकसभा की मर्जी है कि राज्यसभा द्वारा सजेस्ट की गई रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे या ना करे, क्लियर। और मनी बिल जिसकी डेफिनेशन आर्टिकल 110 में दी हुई है, ठीक है जी, वो तो मैं बता चुका हूं। अब आ जाओ फाइनेंशियल बिल, यानी वो फाइनेंशियल बिल जो कैटेगरी वन कहते हैं जिसे, ठीक है, नॉट कंटेनिंग सोलली द मैटर्स ऑफ आर्टिकल 110 आल्सो कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा, इसे कहते हैं फाइनेंशियल बिल कैटेगरी वन, क्योंकि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी टू दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, जो हमने पिछले सेशन डिस्कस किया था। But with regard to its passage, both the houses have equal powers. Financial bill category 1 जो है वो एक ordinary bill की तरह पास होता है। सिर्फ दो फर्क हैं। पहला, prior recommendation of president is required. Second, it can be introduced only in Lok Sabha. In all other respects, financial bill category 1, उसकी definition ये है, a financial bill not containing solely the matters of article 110, it has some non-financial, yani ordinary bill jaisi cheezein bhi kuch hoti hai, to wo pehle jayega president ke paas, fir jayega lok sabha, magar uske baad iski journey waisi hi hogi jaise ordinary bill ki hoti hai, yani ki rajya sabha chahe to isko reject kar sakti hai aur fir ise mana jayega डेडलॉक, और जहां डेडलॉक हो जाता है उसको रिजॉल्व करना जरूरी है, और उसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जेएस यानी जॉइंट सिटिंग, दोनों हाउस के मेंबर्स को साथ में बिठाएंगे और सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग करके डिसाइड करेंगे पास या फेल, यानी पास या रिजेक्ट, क्लियर। तो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी वन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। But however, financial bill category 1 can be rejected by Rajya Sabha, creating a deadlock which can then be resolved by a joint sitting. Okay? और अगर money bill पर कभी joint sitting नहीं होती, constitution amendment bill पर भी joint sitting नहीं हो सकती, clear? और आगे चलते हैं, final power to decide whether a particular bill is a money bill or not, ये भी लोकसभा के प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर है, राज्यसभा के प्रेजाइडिंग ऑफिसर का इससे कोई लेना देना नहीं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को कुछ नहीं करना। तो इट इज द स्पीकर हु फाइनली सर्टिफाइज वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ठीक है जी, स्पीकर ऑफ लोकसभा की ये स्पेशल पावर है। और आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगी डेडलॉक को रिजोल्व करने के लिए, अब तक देश में 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी है, ठीक है, और जॉइंट सिटिंग जब होगी तो इट इज ऑलवेज प्रेजाइडेड ओवर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्लियर। तो प्रेरोगेटिव ये उसका है, ज्यादा प्राइमेसी किसको दी गई है, लोकसभा को, ना कि राज्यसभा को। सेकंड, लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विंस द बैटल इन अ जॉइंट सिटिंग, जब कभी भी जॉइंट सिटिंग होगी यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स को साथ में बिठाया गया, क्योंकि राज्यसभा में सिर्फ 245 मेंबर्स हैं और लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, तो ज्यादा मेंबर कहाँ है, लोकसभा में, जिसकी वजह से जब सिंपल मेजोरिटी कैलकुलेट करेंगे ज्यादातर चांसेस इस बात की है, क्योंकि नंबर लोकसभा वालों का बड़ा है, तो बात वही होगी
बात उसी की मानी जाएगी जो लोकसभा की बात है। समझ में आया? तो लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विंस द बैटल इन अ जॉइंट सिटिंग एक्सेप्ट व्हेन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हर बार होगा, व्हेन द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द रूलिंग पार्टी इन बोथ द हाउसेस इज लेस देन दैट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज। अगर संपूर्ण बहुमत ना हो, कई बार ऐसा होता है, और ऑपोजिशन ज्यादा हावी हो राज्यसभा में, जैसा मोदी सरकार के फर्स्ट टर्म में था 2014 से 2019 वाले पीरियड में, खास करके 2014 15 16 वाला जो टाइम था उसमें मुश्किलें फेस करनी पड़ी मोदी सरकार को, क्योंकि वो बहुमत में नहीं थे राज्यसभा में, हालांकि लोकसभा में वो बहुमत में थे। क्लियर? राज्यसभा केवल बजट को डिस्कस कर सकती है, ठीक है? राज्यसभा की बजट भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, AFS आर्टिकल 1, 1, 2, देयरफॉर इट इज अ मनी बिल। तो डिमांड फॉर ग्रांट पर जो वोटिंग होगी, यानी फाइनेंशियल मैटर आ गया, वहां पर राज्यसभा में वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ डिस्कशन ही होते हैं, ठीक है जी? तो ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा है, जो पैसा निकलेगा वो लोकसभा के हाथों में है, ना कि राज्यसभा के। क्लियर? और आगे चलते हैं फिर। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो एक बार लग गई अंडर आर्टिकल 352, तो वो लग गई टिल रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट, ऐसा रूल था पहले। इसी कारण से देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में 21 महीनों तक लगा के रखी देश में नेशनल इमरजेंसी। इनको 21 ब्लैक मंथ्स कहते हैं। क्लियर? ये एक धब्बा है हमारी डेमोक्रेसी पर भी। एट्रोसिटीज हुई, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई, डिस्पोटिक रूल हुआ, हर प्रतिद्वंदी को जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता था उनको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है? जनसंघ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके मेंबर्स को उठा उठा के जेल में डाल दिया, कुछ लोग गायब भी हो गए, पता नहीं चला कहाँ गए। क्लियर? नसबंदी कैंप्स लगाए गए, ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल में करने के लिए जबरदस्ती लोगों की नसबंदी की गई, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है जी? तो लोग इसको अच्छे रूप में याद नहीं करते हैं, ओके? और हम चाहकर भी नेशनल इमरजेंसी को बीच में रोक नहीं सकते थे, देयर वॉज नो मैकेनिज्म। पर जब इंदिरा गांधी की सरकार खत्म हुई और अगली सरकार बनी, ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार, ठीक है, तो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, ठीक है, पोजीशन को चेंज कर दिया और कहा लोकसभा अपने एक स्पेशल सेशन के द्वारा चाहे तो लगी हुई नेशनल इमरजेंसी को बीच में डिसकंटिन्यू करवा सकती है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, पर ये राज्यसभा को पावर नहीं दी गई, ये स्पेशल सेशन की पावर सिर्फ किसको दी गई? लोकसभा को, कि लोकसभा लगी हुई नेशनल इमरजेंसी को बीच में खत्म करवाने के लिए स्पेशल सेशन बुला के मोशन पास करके काम कर सकती है, ठीक है, रेजोल्यूशन लेके आ सकती है। क्लियर? फिर उसके बाद अगली चीज क्या है, राज्यसभा कैन नॉट रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास पावर्स है, ठीक है? क्यों? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो भारत में प्रिवेल करता है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है लोकसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट अपने साथ। क्लियर? दी राज्यसभा कैन नॉट रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होते हैं, दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट होता है वैसे, ठीक है? और बट द राज्यसभा कैन डिस्कस एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसीज को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा कुछ भी पास नहीं हो सकता, किसमें? राज्यसभा में।
ठीक है, दीज आर द 10 पॉइंट्स दैट शो दैट इन दीज रिस्पेक्ट्स राज्यसभा इज लेसर पावरफुल देन लोकसभा। क्लियर। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग आपके लिए आएगी वो ये होगी, स्पेशल पार्ट्स ऑफ राज्यसभा। ये वो पार्ट्स हैं जो कि सिर्फ राज्यसभा के हाथों में हैं और लोकसभा के हाथों में ये पावर्स नहीं है। ठीक है, ये हमारा कल का सेशन होगा। आज मैं एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, मैं इस सेशन को यहाँ एंड करने जा रहा हूँ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन?